था ये एपिसोड का करत हन कि कोरोना में हमर बीच में आज पहुंचे है हमर नन अदर देन बोल सकम कॉमेडी किंग औ संगीतकार कवि इंस्ट्रूमेंट प्लेयर बहुत कुछ कह सकथन कि ये है हमर बीच में आए हैं हमर अनूप श्रीवास्तव सर। तो एक बार जोरदार सबो जन मनखे मन जेन जेन अपन घर में बैठे हैं तो एक बार जोरदार ताली बजा दो। मैं तो बोलता बजाई दो तालियां बजाओ ना भैया ताली 1 2 3 स्टार्ट। लाखों करोड़ों की भरमार है साहब। तो ये बहुत तो श्रीवास्तव जी आप मतलब देखे वरना बहुत जन पब्लिक आए है ऐसे नहीं है बट हमारे बीच में सौरभ श्रीवास्तव मोर फ्रेंड है आपने जाना था सौरभ श्रीवास्तव जिन महासमुंद में है वो देखा थे मैं एक बार ओला वेट कर देता हूँ। और शैलेंद्र साहू तिवारी जी हैं वो भी अपन ला देखा थे हमारे बीच में है तो ये सब मजाला हाई कर दम कि ये मन बीच में है। तो सौरभ भाई आप मन महासमुंद में हो हमला पता है बैंक के काम बहुत टेंशन के काम है थोड़ा स्वास्थ्य में ध्यान रखो। तो हमारे राउंड पहला रही से जहाँ पे हमन अनूप श्रीवास्तव सर के साथ हमर राउंड प्ले करत रहे पहला राउंड रही से सुन्न मितान जेकर हमन एपिसोड कर दे। अभी राउंड टू में है साहब हमन जिमन आए रहे वो रही से गड़वा बाजा ठीक है। तो हमन अनूप सर ले एक चैलेंज दे रहे हैं और मैं चाहते हैं एक बार ओ हमन एक आईडी से एक चैलेंज देता है तो अनूप श्रीवास्तव साहब आप मतलब एक चैलेंज है ठीक है ए बार डिफरेंट है आपके आईडी दूसरा रही से ए बार डिफरेंट है आप ला चैलेंज देता है कि आप कटोरी घर के लेके आओ और कटोरी में बजा के दिखाओ कि कोई कैसे बजा ले तो कुछ भी दूं कटोरी में कटोरी का कुछ लाना हां चम्मच भी ला सकता हूं बजाना है तो दो चम्मच कटोरी हाँ उमा बजा के दिखाओ कि आप मन कैसे करते हो आसपास लेकर मन हो भेज दो और अच्छा। कटोरी में एक बार जबरदस्त आप मन धुन बजा के दिखाओ। अच्छा आप मतलब बता दें कि हमारे अनूप श्रीवास्तव सर जैसे कि बताई से अभी कि ऑर्केस्ट्रा भी बहुत कुछ धुन बजाते तो आज मतलब चैलेंज दें कि कटोरी कौन से धुन बजाते ये बीच में हमारे बीच में राजीव केसरी साहब देखा थे राजीव केसरी सर नमस्कार कह दम अरे राजू भाई राजू केसरी भाई ये हमारे कमर था के शान छत्तीसगढ़ के शान छत्तीसगढ़ आइडल नमस्कार राजू भाई। और मैं आपका से निवेदन कर रहे हूँ दिल से निवेदन कर रहे हूँ मैं केसरी सर साहब से कि राजू केसरी साहब आप मना नेक्स्ट एपिसोड पर तैयार रहो और आपके बीच अच्छा। में जल्दी आई तो अच्छा। आगे हमारे इंस्ट्रूमेंट कटोरी कटोरी चम्मच है सर जी बिल्कुल कटोरी का है कटोरी हाँ ठीक ठीक चलिए तो हाँ धुन बजाइए कोई भी फाग गीत बजा तो सर जी यही में फाग अरे कोई बात हाँ आज होली के बजे ले का बात है एक बार ना मैं बता दूं कि तालियां बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस आप मन के रही बहुत बढ़िया अद्भुत असभ्य असाधारण का बात है साहब बहुत अच्छा लगी साहब मन और ये चैलेंज ला हमर ले के बाद अब हमन आप मतलब एक बता दें कि हमर जिन अनूप श्रीवास्तव सर है तेना बहुत अच्छा मिमिक्री करे जैसे कि अभी जीवनी अपन बारे में बताई कि वो स्टार्टिंग चिड़िया जीव जंतु मतलब देख के ओकर आवाज ला करके सीखी से तो हमन अभी यहाँ पे आप मतलब चाहबो श्रीवास्तव जी आपके बहुत सारे स्टेज में हमन देखे हैं आप मल्ला लेकिन वो हा आप मन हा बोल के करता हूँ मैं आप मल्ला कुछ हीरो का नाम यहाँ से बोला जाऊं आप मन होकर आवाज करूं आप मन रेडी हो आवाज बनी मैं प्रयास करियो निकाले की लेकिन चैलेंज ये है कि मैं आप मल्ला हीरो का नाम बताऊं फिर आप मल्ला आवाज निकालो ठीक है जेकर बनी अपन निकाल दे जेकर नहीं बनी तो नहीं बने बता दे ठीक है चलो ठीक है तो मैं बताऊ ली कवर के बोले ही आए तो हमार कॉमेडी किंग अनूप श्रीवास्तव सर के ये हमार राउंड है जहां में है मनखे मन के अलग अलग ग्रुप तो वो मन दिखाई कि जितना बॉलीवुड स्टार है ओखर आवाज तो हम चाहबो कि एक बार आप सब बजन जोरदार ताली से सर के एक बार अभिनंदन करो आओ बहुत बढ़िया। तो मोर में कुछ लिस्ट है मैं आप मतलब बोलते जाऊं फटाफट आप मन ओखर मिमिक्री करूं रेडी सर तो स्टार्ट करें हमन राजकुमार
ऐसा नहीं है, घर के अंदर रहे और ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से, अब अंदर रहता है तो कोरोना की मार से। बिल्कुल सही, दिलीप कुमार। ना भाई ना, बिल्कुल घर से बाहर नहीं, सब लोग घर के अंदर रहे, किसी से गला ना मिले, किसी से हाथ ना मिलाए, घर में रहे तभी सुरक्षित। क्या बात है, क्या बात है। अशोक कुमार। अशोक कुमार, अरे मैं तो इतने सांस वाले दमा पेशेंट, मैं बिल्कुल कान नहीं निकला। हाय शत्रुघ्न सिन्हा। मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूँ, घर के अंदर रहे पहले सुरक्षित रहेंगे, जय हिंद जय भारत जय जवान। शक्ति कपूर। आओ संजय सलमान सर, आप भी घर के अंदर रहे क्योंकि बाहर निकलने से कोरोना आपको पकड़ जाएगी। शाहरुख खान। अरे भाई क्यों छोटी छोटी जगह में बड़ी बड़ी गलती होती है, और आप एक गलती करेंगे वायरस के साथ ही जाएंगे। अमिताभ बच्चन। जैसे कि आपको पता है कि बाहर निकलने से कोरोना आपको संक्रमित कर सकता है, इसलिए आपको घर के अंदर रहें, सुरक्षित रहें। क्या बात है। अमजद खान। अरे जो डर गया समझो मर गया, किंतु कोरोना ने जो डर गया समझो वो बच गया। कोरोना से डरना है और घर के अंदर रहना है। ओम प्रकाश। मैं तो बिल्कुल प्लाट से ऊपर हूँ, इसलिए घर पे बिल्कुल नहीं निकलूंगा, घर के अंदर रहूंगा, आप लोग भी घर के अंदर रहिए। क्या बात है। अजीत। रॉबर्ट पीटर। डार्लिंग मोना, घर के अंदर ही रहना, जब मुझे घर ले पाही जाओ तुम्हारे टांग लग तोड़ दे, कोरोना बैठे पाही। ये मेरे का अजीत छत्तीसगढ़ी मजा आ गया सर। लेस्ट मिथुन, मिथुन चक्रवर्ती। अरे जब मोझा घेरी देरी पर था, घर में बाहर चाहे तो घर के अंदर नहीं आ सकता, कब अरे झल्ला कोरोना होते तो जब मोझा हो जाते घर से घर के भीतर रहो। क्या बात है। लास्ट एंड द फाइनल नाना पाटेकर साहब। घर के घर के बाहर जाओगे तो कोरोना तुम्हें नहीं छोड़ेगी। मैं चाहूँ कि जितना भी दर्शक मन यहाँ देखा थे एक जबरदस्त तालियां है साहब। अद्भुत लाइव आप मन सुना हो, बहुत अच्छा लगे इसके, आप मन इतना अच्छा हमारे बॉलीवुड एक्टर मन के आवाज मन निकाले हो। हम आपसे पूछना चाहते साहब कि हीरो बल्ला देख के आवाज निकाले के प्रेरणा कहाँ से मिली साहब? वही मैं पहले भी बताया कि मोर घर में ही वैसे कलाकार मन भरा है, तो आदमी अच्छा। बोलते कि अपन बड़े मन से सीखते, तो मोर भाई मन है सब हेरत रहा, तो हम कोहरो भी बाकी मन का आवाज ल सुनते, हम वो सुन के कैसे बोलते सोच अपन मन में सोचते दोबारा बोले कोशिश करती। अच्छा तो यही में चैलेंज है आप मल्ला, नेक्स्ट राउंड है करौंदा या कोरोना, ये चैलेंज है जो एपिसोड के नाम है करौंदा या कोरोना। तो आप मल्ला ना ये बताना है, आवाज तो आप मना बॉलीवुड के एक्टर के निकाले हो, मैं चाहता हूँ कि अपन घर के कैरेक्टर के करो, जैसे अगर लड़की की आवाज कैसे निकाल बो अपन एक बार। अरे घर ले पाही जल निकला नहीं हो रहा है, तुम अलग करो ना पकड़ ली रे कहना मान ना कर रे हम मर जाऊंगा तो। बिल्कुल बच्चे की आवाज कैसे निकालेंगे सर, बच्चे की नन्हे बच्चे। घर से बाहर नहीं निकल रहा, और जो घर से बाहर निकलेंगे हम वो अंदर नहीं आ पाएंगे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। इसी तरह से मैं पूछना चाहूंगा बुजुर्ग की आवाज कैसे निकालेंगे, बुजुर्ग बुजुर्ग। अरे बेटा घर ले बाही झल जाबे, ओ कौन करोना बैठे है कैसे, जन पकड़ लेते रे
घर ले बाही झंडा दे हम तो साथ के वो पार वाले निकल पे नहीं करन झांक पे नहीं करन। बिल्कुल सही एक बार भैया। लास्ट में है आजकल जो लाइन लगे हमर शराबी मन की आवाज में कैसे करो कोरोना से अपन करौंदा बताओ के कोरोना शराबी मन के। अभी मैं शराबी मन के बारे में बता था। हाँ शराबी सबसे पहली शराबी मन ला कहूं कहबे कोरोना के डर है कहबे तो ला कोई डर नहीं है। अरे भैया 50 दिन है रेट बढ़ गए ना रेट लो बढ़ा दे उमा कोरोना चार्ज पीछे कोरोना चार्ज लगा दे एक एक ये स्टाइल है एक स्टाइल है मैं अभी ओकर ऊपर बनाया हूँ। जैसे हम अपन समय में पिक्चर देखे जावा तो पहली शो के पहली टिकट जन लावा कमी जमी चिराए हाथ गोड़ छोला वही कंडीशन अभी दरभंगा के जिन पहली में दारू लेके आते पूरा हाथ गोड़ छोड़ा कमी चिराए पूरा बादल घर बचे रही थे ओला देखे के बाद ओकर मन में क्या आता ओकर मन में वो दारू देखे एक बात कहते हो कि हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते तेरे बिना वजूद में तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो तुझसे ही हो जाएंगे जुदा क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो जिंदगी में ये मतलब आशिकी है दारू पर तो जितना बेवड़ा मन है मतलब निवेदन ही ये गाना उनके ऊपर बने है दारू एक बार जोरदार ताली बहुत जबरदस्त आवाज ही और मजा आ गया मतलब बोलो तो पूरा दिल खुश कर दो। अब हमर ये बीच में आप मन के कहना चाहबो कि आप मन अपन जीवनी के बारे में बताया हो जैसे बाकी जना नहीं पता है तो आर्टिस्ट के अलावा आप मन के और का काम है ये बताओ जैसे ये सब काम स्टेज शो करता हो उसके अलावा आप मन के और का काम रही थे कैसे अपन दिनचर्या में का काम करता हूं। मैं पढ़ाई के काम से जुड़े हूं जेकर कॉलेज भी चलते अशोका कॉलेज अशोका स्कूल अब एक अशोका अभी स्कूल अशोका ग्लोबल फिर से खुल चुके हैं मतलब दो दो स्कूल है एक बहुत बड़े कॉलेज है तो पवन देवांगन जी उनके डायरेक्टर है ना। हाँ पवन देवांगन सर हाँ जी जी वो पवन देवांगन सर चलाते हैं उसमें कॉलेज भी चलता है स्कूल भी है एक नया स्कूल अभी और खुला हुआ है वहाँ मैं पढ़ाता जी। तो ये तो आप एज ए शिक्षक अपन काम करा था मतलब टीचिंग में भी हो तो ये कितने साल से आप मन मैं वहाँ जब से स्कूल खुला है तब से वहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ। और टीचिंग में कब से आप मन हो कब से मैं टीचिंग के बाद से जॉब कर रहे हो। हाँ टीचिंग में मैं 97 से हूँ यानी 20-21 साल हो गए मेरी त्वचा से मेरी उम्र की समझ नहीं आ रही। आप मन के तो आशिकी अलग रही थे। चलो अब ये बीच में आशिकी के बीच में एक बात आ गया जो मैं आप मन जितना भी दर्शक यहाँ बैठे हैं मैं बताना चाहूँ कि हमारे बीच में आप मन ना इमरान भैया जो पाणा तरे में रही थे इमरान भाई है मतलब भी नमस्ते कर दो इमरान भाई जो है जो कि पाणा तरे के हैं बहुत अच्छे इंसान है वो भी देख ही रहे हैं। प्रवीण या यदु जी भी है उपमन देखा थे राकेश जी देखा थे प्रदीप जी भी देखा थे इमला सबो झल्ला जय जोहार जय जोहार जय जोहार छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। और आप मन से निवेदन है कि अगर आप मन कुछ अगर सर से पूछना चाहो तो कमेंट में करके बता दो मैं देख के साहब मैं सर अब जरूर पूछूं आप मन से जो भी क्वेश्चन है तो जरूर आप मन पूछो। और ये बीच में मैं आपसे ये पूछ रहा हूं सर कि एज अ आर्टिस्ट आप मन काम करता हूं तो आप मन स्टेट लेवल में बहुत गए हो और का अपन अचीवमेंट पाए हो कि कहाँ कहाँ अपन स्टेज परफॉर्मेंस करे हो कोई महोत्सव का क्या अचीवमेंट है बता दो दर्शक मतलब। छत्तीसगढ़ में जितना भी महोत्सव होते चाहे भोरमदेव महोत्सव है जाजला देव महोत्सव हल्लारी महोत्सव है रतनपुर महोत्सव है ये जितना प्रकार के महोत्सव छत्तीसगढ़ में है सब में मोर प्रोग्राम कई बार हो चुके हैं
एकर साथ साथ टीवी में विगत छह साल से मोर प्रोग्राम आते, खासकर IBC 24 में हर होली में नया साल में मोर प्रोग्राम वहाँ आते रहते, और ये बार INH चैनल में भी मोर प्रोग्राम आई। एकर पहली मैं जो सीरियल में भी मैं अभिनय करे रहूं। एकर साथ साथ मैं स्टार प्लस में लाफ्टर शो के ऑडिशन में गए रहूं मैं दिल्ली, वहां से अपन ऑडिशन दे के आ रहे हैं। मोर साथ में कौशल साहू लक्ष्य बहुत अच्छा कवि और एक लाफ्टर शो है, दोनों जन मिल के हमन प्रोग्राम देते जी। वो भी बड़ा हमन निवेदन, कौशल भैया भी निवेदन है कि जल्दी आप मन के बीच आप दोनों साथ में मौका देख के, कोरोना के बाद मौका देख के साथ बैठो जरूर लाइव में। आप मन से पूछा था सर, आप दिखे बहुत आर्टिस्ट और इंस्ट्रूमेंट भी बजा देता हूँ, कॉलेज लाइफ में आप कितना कुछ है लाइव है आप मन के दोस्त दिखात हुई? नहीं, हमारा समय बहुत अच्छा समय रही से, ये ऐसा टाइप के लाइफ नहीं रही से। हमन बकायदा साइकिल में कॉलेज स्कूल तक, स्कूल और कॉलेज दोनों हम साइकिल में गए हैं, और वो समय केवल पढ़ाई लिखाई ज्यादा रही से, ये तरह के सब काम बहुत कम जन करा, और ओकर गिनती में हमन नहीं रहे। तो अभी के जो लड़का वाले तेला का बोलू? अभी के लड़का मन ला यही है कि एक अपन करियर ला ज्यादा फोकस करना है, काबर की नौकरी चाकरी मिले के बाद अपन लाइफ जी सकते आदमी, नहीं तो घर चाकरी भी नहीं मिला तो पूरा जीवन भर संघर्ष करी थे। अभी ये काम में शुरुआती अच्छा लगते, ओकर बाद पूरा लाइफ संघर्ष करे पड़ते, तो ओकर नाम से पढ़ते समय तक कुछ समय संघर्ष करे, फिर पूरा जीवन अच्छे से गुजरते। तो ये युवा मन ला ध्यान देना है, अगर ऐसा आर्टिस्ट हो एक अच्छा टीचर भी बनना है, और करियर में अगर अपन हुनर ला दिखाना है, समय अपन गर्लफ्रेंड ना देख बजाय हुनर में देना है, जैसे कि साहब पर बता थे घूमने वाला है। तो आप मन के जितने भी दर्शक अपन हमारे बीच में है, तेन मैं सबो झन ला बता दू कि ये बीच में आज हमार जो दिन है, आज 9 तारीख जो है वो सर के लिए बहुत स्पेशल दिन है। आज के दिन वो कभी नहीं भूले, कबर के आज के दिन सर के शादी हो रही है। तो आज सर के शादी की सालगिरह है, तो मैं अपन तरफ से भी देखा था सबों की तरफ से आप मतलब गाड़ा बधाई देवा था आप दोनों चल ला आप मन के सुखी परिवार के। तो मैडम मनला भी आप मन हमारे तरफ से सबो जन दर्शक की तरफ से आप मतलब विश करा था, आप लोग बहुत बहुत मुबारक हो सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज फिर से मोल याद दिवायो कि मोर आज एक दिन शादी हो रही से, और 14 साल के वनवास कंप्लीट हो चुके हैं, आज के दिन मोर 14 साल कंप्लीट हो गए हैं शादी हो। तो सर कैसे महसूस होते? अब कैसे महसूस होते कहा सर, सब शादी शुदा वाले मन के हालत खराब रही थे, खास कर इधर लॉकडाउन हो गया तो कहूँ नहीं भग सका थी। तो मैं एक छत्तीसगढ़ी कविता के माध्यम से बताना चाहूँ मैं, अगर टाइम हुई तो। जी बिल्कुल 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 बताओ। कि जबले बिहाव हो है बिहाव करोना रोवा था, पोत भी है निया लूट के ऊपर कपड़ा नस्तल धोवा था। जबले बिहाव हो है बिहाव करोना रोवा था, पोत भी है निया लूट के ऊपर कपड़ा नस्तल धोवा था। भिनसरहा होते आखिर रमजत जोर से चिल्ला थे, नहीं सुना तोर कान फूट गए का, इतिया ए लैकल पा मोर बर चाय बना कला, का करवे धरपटी का करवे धरपटी रंधनी खोली में जाता हूँ, एक हाथ में लैका पाता हूँ एक हाथ में चाय बनाता हूँ, चाय पीते तहन नहाल जाते नहा काते तहन मरत ले पाउडर लगाते, तहले एक थारी भात ले खाके हाथ ले पोछत मुहुल टेरगा करत मोर में रहते, और कहते एती ओती धन जाना जिन भर घर में रहना, लैका खिलाना शाम का खाना बनाना, का करवे रांधा था पसा था बहारा था पोछा था घर के सब काम ल करके रात के 11-12 बजे सुबह था, जब ले बिहाव हो है बिहाव करोना रोवा था, जब ले बिहाव हो है बिहाव करोना रो। का बात है भैया, और तो मतलब का बताओ, तो आप कितने रोना रोवा था जो मैं तो बोला था एक बार ताली, इतना अच्छा शायरी बात, बहुत जबरदस्त आप मनाना यहाँ पे बोले हो। और इसी बीच में महेश पांडे जी जन देखा थे शहीद दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं बोले, आप मतलब शहीद दिवस बोले आज के आपके शहीद दिवस है आपके महेश भैया। महेश पांडे हाँ महेश पांडे भैया हरिभूमि ब्यूरो चीफ,
आओ एक सही दूसरा सही बहुत अच्छा समझते हैं। नमस्कार भैया, भैया के सहयोग हम मतलब मिला तो बहुत मजेदार भैया है महेश भैया जुड़ चुके, बहुत अच्छा लगी जी। तो अंतिम में हमार आखिरी है ये राउंड है हमार, जैसे कि आप उनके हुनर के अनुसार में है राउंड अपना है, तो ये जो हुनर के राउंड हमार नेक्स्ट आवे वो है नेता के पूछ। तो नेता पूछ लग कैसे पकड़े हैं वो हम मतलब आप मतलब बताना है कि नेता पूछ पकड़ के सबो कार्यकर्ता मन रोज अपन जिंदगी को रोजी रोटी जीवत है। अभी कोरोना में सबो नेता गायब हो गए सबो तो आप मन है गजराज दास जी भी नमस्कार बोल रहे हैं आप मतलब गजराज जी और भिलाई के बहुत अच्छा कवि ये पैरोडी करते बहुत बड़े बड़े मंच में जाते हैं। गजराज भैया नमस्कार, जुड़े आप मन बहुत अच्छा लगी, क्या बात है क्या बात। और समीता सोनी जी भी आप मन की तारीफ कर रहे थे, समीता सोनी जी स्मिता सोनी मैम सॉरी धन्यवाद माफ करिएगा स्मिता सोनी जी। हाँ जी, तो ये मतलब आप मतलब चाहने वाले मन देखे हो कि आप मतलब कमेंट कर रहे थे आपकी तारीफ कर रहे थे, तो यही बीच में मैं कहा रहे हमारा नेक्स्ट राउंड है नेता के पूछ, मतलब हमारे नेता के पूछ लग कैसे पकड़े हैं आप मन के आवाज के कला है। तो अमन चाहबो कि अभी जैसे कि एक दुख के न्यूज है कि हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री माननीय अजीत जोगी जी हॉस्पिटल में है। आप मतलब जैसे अभी न्यूज चल रहे थे माननीय अजीत जोगी भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर है वो आप मन के जबरदस्त सुने रहे हो याद भी है, तो मैं चाहूंगी अगर आप मन एक बार अजीत जोगी जी के आवाज में लोगन मन संदेश दो कोरोना से बचे बार एक बार बुढ़िया बुढ़िया बार दीदी दाई मान भाई मान जम्मो झन अपन घर में घुस ले रहू बाहर झन निकलियो भाई हो बाहर में कोरोना बैठे ओकला हरवाई के एक ठीक ज्यादा है वही घर में घुसले रहिए तभे बचबे नहीं तो गड़बड़ हो जाही। जय हिंद जय भारत जय छत्तीसगढ़। क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो मैं आखिरी में माननीय अजीत जोगी जी जो कि भूतपूर्व हमारे मुख्यमंत्री रही थे छत्तीसगढ़ के, अभी अगर स्वास्थ्य पर जैसे कि अपन बहुत जन हमारे है भूतपूर्व हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी भूपेश बघेल जी माननीय मोदी जी और सोनिया गांधी जितना जी इनके कलाकार आप मन नेता मन जो नेता के पूछ है हमार ते नेता मन ला ओखर तरफ से उलासी ओखर स्वास्थ्य के लिए मनोकामना के लिए अगर आप मन ओखर आवाज में अगर बोलता हूँ ऐसे लगे कि ओखर बर हमार करे तो हमारे दर्शक भी एक एंजॉयमेंट भी हो जाये एक मूवमेंट भी हो जाये और एक दुआ भी पहुंच जाये हमारे इस शो से पहुना से। तो सर ये बहुत वाकई में अभी हमारे छत्तीसगढ़ के पहला मुख्यमंत्री माननीय जी जोगी जी जब सलमान सर बताई तो उनका तबियत खराब है, तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो बहुत जल्द स्वस्थ हो और पहले की तरह स्वस्थ होके मस्त अपन घर आए। तो अगर कहीं मोर जगह में कहीं भी हमारे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी ये बात लग गई तो कह सके जी हमारे स्वागत हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी के यहाँ पे बारे में सुनने में आया है कि उनके स्वास्थ्य ठीक नहीं है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो जल्द से जल्द ठीक हो और अपने घर आए और छत्तीसगढ़ की खुशहाली को देखें। जय हिंद जय भारत। क्या बात है, नेक्स्ट और कोई हमारे अगर सोनिया गांधी जी उनके बहुत करीबी रहे हैं और वो पहले में भी राष्ट्रीय कांग्रेस प्रवक्ता रहे हैं, तो सोनिया गांधी जी अगर उनके बारे में बोल मुझे ये सुन करके बहुत बहुत खराब लगा। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि वो जल्द से जल्द ठीक हो और अपने घर वापस आए। जय हिंद जय भारत। क्या बात है, इसी तरह से हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी से पहले मैं लालू जी को सुना देता हूँ। अरे बिल्कुल स्वागत है और
हमारे छत्तीसगढ़ के राम लाल यादव खगड़िया अजीत जोगी के स्वास्थ्य खराब है, जल्द से जल्द ठीक हो आए भगवान से प्रार्थना। क्या हमारे पीएम साहब माननीय प्रधानमंत्री जी भाई अब है ना जी, मेरे प्यारे देशवासियों, जैसे कि आपको पता होगा और ये खबर अभी टीवी के माध्यम से न्यूज के माध्यम से मैंने भी देखा है, छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वह जल्द से जल्द स्वस्थ हो, और आप लोगों से भी मैं प्रार्थना करता हूं कि अजीत जोगी के लिए भगवान से प्रार्थना करें, उनकी लंबी उम्र की दुआ लें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़ जी। बिल्कुल, और हमन भी अपन तरफ से ओकर स्वास्थ्य पर दुआ करथन। तो हमर पूरा मेहमान है, और ये बीच में स्मिता जी आपके प्रोग्राम के तारीफ करत थे। स्मिता जी बोला थे कि आप मन बहुत अच्छा अच्छा प्रोग्राम करत हो। आप मन से जितना भी दर्शक यहाँ देखा था, तो मतलब कोई भी सवाल हमारे श्रीवास्तव सर से, अनूप श्रीवास्तव सर बैठे हैं यहाँ पे, पूछना है तो जरूर पूछू। और हमारे यहाँ से सर से सवाल पूछ रहे, वो कुछ कराना चाहो तो भी कर सकते हैं। हमारे सर है पूरा आज ऑनलाइन, आप लाइव हमारे घर बैठे आप मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव शो देते बोले एक एक शो के बहुत रेट रहते सर आपके। लेकिन आज के जो लाइव के हमारे पहुना के पहली एपिसोड में अनूप श्रीवास्तव जी आप मन यहाँ पे पहुंचे रहे हो, आप मन ने बहुत अच्छा प्रोग्राम के बहुत सारा चीज सेगमेंट करें। हमन सबसे पहले आप मन के बीच में सुनना मितान के एपिसोड में आप हर एक गाना सुन के और गाना बोलना पहचान ले, बहुत अच्छा लगी। और गड़वा बाजा में तो झगास रही से कि आप मन हाँ बहुत कोई भी थाली हो या फिर कटोरी हो, हर तरह के रिदम आप बजा लेते हो, बहुत मजा आई। और हमारे जैसे कि अभी करौंदा या करोना में आप मन हाँ कितना सारे बॉलीवुड एक्टर के आवाज निकाले हो, जब बहुत अच्छा लगी। और हमारे लास्ट जो ये है वो है पब्लिक, तो पब्लिक डिमांड से कुछ क्वेश्चन आए हैं श्रीवास्तव सर आप मन के, आपसे सवाल मैं पूछते जाऊं आप मन होकर जवाब देते जाऊं। ठीक है, ठीक है सर, बिल्कुल जी हाँ। तो सबसे पहली सवाल है, ठीक है, ये सवाल आ है आप मन के लंगोटिया यार के, ठीक है, जो सवाल है आप मन के कि आप अनूप श्रीवास्तव जी आप मन हाँ पिक्चर देखे के शौक रखते हो कि नहीं रखो? पिक्चर देखे के शौक रही से पहली, अब तो पारिवारिक झंझट के चक्कर में देख नहीं पान, पहली बहुत पिक्चर देखत रहूं और अपन समय में बहुत पिक्चर देखे भी हूं, और अब तो केवल प्रोग्राम दे थी हम ही सब जन देखा थे। तो आप मन के जिगरी दोस्त के एक शिकायत है कि आप मन होकर साथ ना समय नहीं दो, और पार्टी आपके बाकी है, दो टिक पिक्चर के भी पार्टी बाकी है और कई टिक शो के पार्टी बाकी है, तो मतलब जरूर अपन लौंगड़िया वाला पार्टी दे दो तो बढ़िया रही। बिल्कुल 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 हाँ ना। दूसरा सवाल है आपके चाहने वाला जो आपके बहुत फैन है, वो यंग है, ओकर सवाल है, दिल के सवाल है, और अब फैन है तो फैनी टाइप के सवाल है, अगर आपके शादी नहीं हो गए, अगर वो शादी के लिए प्रपोज करे का आप मन शादी करे पर रेडी हो, ऐसे सवाल है। नहीं, आदमी का है एक पैर में ऑलरेडी कुल्हाड़ी मारे के बाद वो समझ में आ गया है, दूसरे पैर में मारे में कतई तकलीफ हुई, तो ओकर नाम से ये आपके फैन है तो का बताए, वो डिमांड रही से। नेक्स्ट आप मन के बीच में एक जन अफवाह आए है कि आप मन ये बताते कि आप मन घर में जब भी मैम हाँ भाभी जी जो है वो नाराज होते तो आप मन हा आप लोग ढूंढते था, फिर आप मन हा पूरा वेशभूषा बदल के आवाज डुप्लीकेट करके बस थो का, ऐसे कुछ लिखे है, ऐसे है का जब भी नाराज होते था बचाओ अपन? नहीं, का है जब हमारे यहाँ श्रीमती जी नाराज होते तो मैं वाला अलग अलग टाइप से मनाता हूँ, कभी गाना गा देता हूँ, कभी एक्टर मन की आवाज निकाल देता हूँ, तो वो नाम से का है, ज्यादा हमारे बीच में लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। क्या बात
ये बीच में ये बहुत है, ये बीच में इकराम जानू भाई, जानू भाई के आप मन जाना तो जानू भाई है, वो उनका डिमांड है कि का सर ते मोर आवाज ला निकाल सकता छ का। अरे जानू भाई के आवाज ला अध्यक्ष बीजेपी के पार्टी के हैं वो। अरे तो जानू भाई डिमांड कर रहे हैं। अच्छा जानू भाई तो उनका आवाज तो हाँ जानू भाई का आवाज बहुत कठिन है ना, और हमारा सरल आदमी का आवाज निकाले लगते कठिन आदमी के नहीं निकाल सकी, जानू भाई का आवाज निकाले प्रैक्टिस करे लगी अभी। अच्छा फिर भी जानू भाई के तारीफ में कैसे कुछ बोल दो ताकि ओकर आवाज नहीं निकल सके ओकर पर्सनालिटी भी। नहीं जानू भाई जैसे के नाम से ही है जानू, जानू ओला कहे जाते जेला बहुत आदमी प्यार करते, तो ये जानू भाई हमारे कमारसा के जान है सब जान और सबके जी दिल में राज करिए हमारे जानू भाई, आओ फेसबुक में तो ऑलरेडी एनी टाइम ओकर चाहने वाला के कमी नहीं रहा है, बहुत एक्टिव रहते हैं और हर समय हर क्षेत्र में भी, चाहे अभी मास्क बांटे में भी, अभी कोरोना के समय में मैं देखे रहा हूँ कई कई हजार मास्क अपन वार्ड फ्री में बना बना के सब अपन वार्ड में बांटे रहे थे, तो जानू भाई बहुत ही बढ़िया काम जबरदस्त पर्सन है। अच्छा पहल है और ये बहुत बहुत अच्छा काम करा था कि कई नेता मन घर बैठ गए लेकिन आप मना सत्ता में ना रहे बावजूद भी काम करा था अपन जनता पर, बहुत अच्छा काम है। और पहली बॉडी बिल्डर है आप मतलब बता दें कि यहाँ के ना मतलब पर्सनैलिटी मेरे ख्याल से कवर्धा में सबसे पहली एक बॉडी या फिर जहाँ बॉडी बिल्डिंग हो या फिर जितना भी है वो नाम कमा है, फिर उसके बाद पार्टी में है अभी, बहुत अच्छा काम करते हैं जानू भाई। जानू भाई कमारधा में एला अगर रायपुर बॉम्बे में रहती तो अभी आज बहुत बड़े मॉडल या बहुत बड़े हीरो रहती, तेमा कोई दो मती, पर वो जनता के सेवा में कूद गए तो बहुत अच्छा बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के कमेंट के जी। तो इधर बाद में आप मन ये बात बिल्कुल सही कह रहे हो, जनता के हीरो बनना मतलब बहुत बड़ी बात है। सही। अब बीच में मैं आप मन से निवेदन करूं कि सौरभ श्रीवास्तव जो कि दोस्त है हमारे मोर क्लासमेट है वो भी देखा थे, वो कुछ आप मन से ओकर लिए ट्रांसफर के दुआ मांग लो कि बेचारा ट्रांसफर कम से कम बैंक में बहुत तकलीफ होता होला जहां काम कर रहे थे। हाँ नहीं ठीक है, भगवान सबके सुनते, आप समय के हिसाब से ओकरो दुआ कबूल हो ही, अभी ओकर वहां ज्यादा जरूरत है कि वहां रोके गए हो ना। हाँ बिल्कुल। तो अब ये बीच में मैं अपन हमारे कार्यक्रम ला अगर समाप्ति के कगार में है और लास्ट में मैं आप मन से वही कहूँ कि आप मन ये बीच में हमारे पहुना के पहली एपिसोड में आप मन आए हो और बहुत दिल से आप मन बताओ कि कैसे लगे आप मन ये पहुना के एपिसोड, पहले आप बताओ कि आप पहली एपिसोड पहुना में एज अ गेस्ट आए हो प्रतिक्रिया देखे मिलीस, नहीं तो का अपन स्टेज में प्रोग्राम दे घर आगे समझ में नहीं आया, परंतु अपन फेसबुक के माध्यम से समझ में आते कि हमारे से लोगन जुड़े हुए है, हमसे वो का सुनना चाहते ओकर हिसाब से आज ओकर डिमांड पूरा करें, तो मोरा लगते है कि मैं 100% खरा उतरे हूँ। लेकिन आप मना अपन पूरा 100% नहीं दे, आप मना बहुत सारा आप मन के ना टैलेंट ला देखे बाकी रहेगा बोल लगा थे, जैसे कि आप मन के स्वामी बहुत जन के आशाराम बापू जी के, और मैं चाहूँ कि आप मना आशाराम बापू जी के एक बार आवाज थोड़ा सुन ले तो वो मजा आ जाए एक बार दिल से यार आशाराम बापू, अगर आशाराम बापू अभी आपको शादी की सालगिरह बधाई देते, शादी की बधाई अनूप श्रीवास्तव को देते आसाराम बापू तो कैसे देते प्लीज। हरी ओम, लोगों को चाहिए कि वो सत्य के मार्ग पर चले, सत्य के मार्ग में चलने से जीवन की प्राप्ति होती है। अनूप जी आप 14 वर्ष काट चुके हैं, आगे भी इसी तरह से आप अपने जीवन को काटिए, सुखमय जीवन व्यतीत कीजिए और अपने पत्नी का कहना माने उसी में भलाई है। हरिओम।
इसको रिकॉर्ड करके रख लीजिए और भाभी जी को जरूर सुनाइएगा। वहां वनवास काट गए और यहाँ पे हमारे ये वनवास काट लिए, क्या बात है। नहीं नहीं, अगर जीवन जीवन में शादीशुदा जीवन को सही रूप से जीना है तो पत्नी का कहना मानो, तभी आप का जीवन अच्छा जाएगा। क्योंकि अगर आप पत्नी का कहना नहीं मानेंगे तो खाना खाना उन्हीं को बनाना है, खाना उन्हीं को देना है, है ना, तो उसके हिसाब से चलना पड़ता है। तो इसलिए शादीशुदा जीवन में जीने का एक अच्छा ही तरीका है, वो जो बोले उसमें हाँ बोलो। मतलब अगर ठीक से नहीं रखोगे तो खाना ढंग से नहीं बनाएगा, ढंग से खाना नहीं मिलेगा, ये तो कम से कम प्रॉब्लम तो हो गई। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। उनके पास इतना टॉपिक रहता है, बार कहा कि सब्जी में नमक ज्यादा हो गया, तो वाइफ बोलती है मैं नमक उतना ही डाली हूँ, आप सब्जी कम लाए। अरे क्या बात है सर, आपके पास इतने सारे मटेरियल है, मैं कहा बताऊं कि मैं आप मतलब अगर बैठा के ना हमन करब तो सोच हमन एक घंटे तक से अभी करते जाते, लेकिन से निवेदन कर रहा था आप मन अगर लाइव और सभी दर्शक मतलब बता दो कि आप मन दोबारा हमारे पुनः एपिसोड में आओगे नहीं। दोबारा बहुत सारा पैरोडी और गीत हमें जो नबी बच्चे है कौन सलमान गायक मन के भी पैरोडी बना बना के रखे हैं उदित नारायण के, ये सब हमारे प्रोग्राम के बीच बीच में चलत रहे थे। तो कोई जैसे अभी मैं एक तो सुना रहा था अपना हिमेश रेशमिया के, अभी कोरोना के समय हिमेश रेशमिया गाना गाती थी। हाँ तो कैसे गाती है हिमेश रेशमिया? स्वागत स्वागत हम तेरे हैं कोरोना, कोरोना से बचना है तो मास्क लगाओ, हाथ को बार बार धोना, कोरोना हम पे रहम कोरोना। इतने टाइप के बहुत सारे कार्यक्रम है, क्या बात है। मैं तो बोला था एक बार जोरदार ताली सब जन के, मतलब आप मन के पास इतना सारा मटेरियल है, मैं एपिसोड में बिल्कुल नहीं पूरा कर सकूं। मैं आप दिल से आपसे निवेदन कर रहा था कि एक बार आओ हमने एपिसोड जरूर आपके साथ पहुंचना करा, और पहली मोर एक कोशिश एपिसोड पहला एपिसोड में आप मन पहला मेहमान बन के आओ कर, दिल से धन्यवाद आप मन समय निकाले हो। और लॉकडाउन में आज टोटल लॉकडाउन है कवर्धा में, कल तो दर्शक जो भी अंदाज में सभी अल्लाह लॉकडाउन घर में रहकर एक हिदायत दे दो और सरकार के सपोर्ट करे के और गरीब मन थोड़ा मदद भी करे, ऐसे कुछ हमारे दर्शक मतलब बता दो लॉकडाउन में क्या करे। जी अनूप सर, का है कि हम जाना था कि ये जन लॉकडाउन है, कई जन हम मतलब कहते कि लॉकडाउन है कैसे नहीं खुला थे, काबर नहीं खुला थे, ये हमारे गलती के मारे बढ़त जाते। अगर कहीं हमन हा लॉकडाउन के सही तरीका से पालन करबो तो ये बेर बेर नहीं बढ़ा, जल्दी खत्म हो जाए। लॉकडाउन सिर्फ और सिर्फ हमार बचाव के लिए आवे, अब ये लॉकडाउन में अगर हमन सुरक्षित रहो लिखे रहे हो हमन कैसे सुरक्षित रह सकबो ओला मैं आप तक पहुंचाता हूँ। चीन से आया कोरोना वायरस, चीन से दुनिया में, चीन दुनिया में हाहाकार, इससे बचने के लिए सावधानी ही उपचार
नहीं ही उपचार अभी तक केवल हम सावधानी बरत के ही कोरोना से जीत सकत हैं। सर्दी खांसी बुखार तेज बुखार कोरोना वायरस के हैं लक्षण ये ही चार रे भैया लक्षण ये। तो इतना जबरदस्त आप मन के परफॉर्मेंस में का बताऊं ना, मैं दिल से आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद दे। जितना दर्शक मन है मतलब हिदायत दे हो तुमन घर में रहे वो सुरक्षा रखे। अरुण श्रीवास्तव जी आप मन कॉमेडियन हो, आप कवि हो, आप आर्टिस्ट हो, आप म्यूजिशियन हो, आप मेक्रियस्ट हो, आप बहुत बड़े आर्टिस्ट हो, क्या बताओ क्या क्या नहीं को हम एक वीडियो में हम के दर्शक मतलब बहुत अच्छा लगता है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छा लगे तो सपोर्ट करो और जैसे कि आपके कमेंट आए अभी भी भाई करे मन के दोनों जोड़ी कौशल भाई अनु के जो जोड़ी है वो जरूर एक बार हम रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप लोगन मिलना और एक बार कौशल के साथ आप आओ तो जितना भी सकमन के भैया के साथ में हम लाफ्टर शो आप मन देखे हूँ और भविष्य में इसे बनी तो बिल्कुल हम दोनों जन साथ में लाइव आवो आप मन के इंटरटेनमेंट के लिए जी। और आज के जो कार्यक्रम है आप लग कैसे लगे एक शब्द कैसे लगे आज के कार्यक्रम से बहुत अच्छा रही से बहुत अच्छा प्रयास है लॉकडाउन में लोगन के टाइम पास और बहुत कुछ जानकारी भी रही से एम इंटरटेनमेंट के साथ साथ संदेश भी गए लोगन तक। जी जी बिल्कुल और बहुत बहुत धन्यवाद अनूप सर आप मन है हमारे बीच में आओ अभी हमारे अनूप सर जी ला हमन बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करे थे पहुना के पहली एपिसोड में जितना बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़े रहो हमला कमेंट कर हमला बताया कि बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग सभी लोग जो जुड़े थे जी जो भी लोग जुड़े थे हम लोग के सलमान सर का लोगों को धन्यवाद। जय हिंद जय भारत जय जोहार जय छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया बिल्कुल। तो हम यही करें छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया।